राधा कृष्ण आचार्य जी ने एग्जाम ऐसे किसी का हेल्दी शाही खाना खजाना शाही चैन रेसिपी में आपको बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए मैं आते हैं बचे हुए चावल का नाश्ता। ये बचे हुए चावल इसके लिए क्या क्या लिया, दही, प्याज, पिसा हुआ जीरा, लाल नमक, सादा नमक, धनिया पत्ती। तो फिर चलिए बनाते हैं। डाल दिए ठंडा पानी, मटकी का ठंडा पानी आधी ग्लास, एक कटोरी चावल लाइए, से हिला लीजिए। डालेंगे दही, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही डालकर हिला लीजिए। गर्मी में बहुत ही ठंडक लगता शरीर को। एक नया नाश्ता बनाइए इस तरह से, जो शरीर को रखे हेल्दी। अब इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक, पिसा हुआ जीरा, लाल नमक स्वाद अनुसार, इन सभी चीजों को डालकर हिला लीजिए। अब इसे 5 मिनट तक रख दीजिए ढक्कन लगाकर, बहुत ही फायदेमंद करता है ये। चावल और दही, दही की जगह छाछ भी ले सकते हैं आप। अब एक बॉल में लीजिए चावल, डालिए प्याज इसके ऊपर, धनिया पत्ती, और ये बन गया हेल्दी नाश्ता। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और बनाइए बचे हुए चावल का इस तरह से। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं खाते तो बगैर प्याज का बनाइए इसी तरह से।